दो साल पहले ब्रिटेन में महिला और पुरुष कर्मचारियों के वेतन के अंतर को सार्वजनिक करने का फैसला किया गया। इसके नतीजे सामने आने पर हर कोई चौंक गया। एक तो ब्रिटेन दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, साथ ही इस विकसित देश में समानता के अधिकार पर काफी जोर दिया जाता है। लेकिन महिला पुरुषों की तनख्वाह के मामले में यहाँ पर निजी और सरकारी कंपनियों में पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले 88% ज्यादा पैसा मिलने की बात सामने आई है। हालांकि जब बात सभी तरह के रोजगार की आई तो 2017 में महिला पुरुषों के वेतन में अंतर 14.21% था। 2018 में यह आंकड़ा मामूली बढ़त के साथ 14.23% हो गया। इस आंकड़े को निकालने के लिए सर्वे का सैंपल साइज भी खासा बड़ा था। 10,455 फाइलिंग्स के आधार पर यह आंकड़े जारी किए गए। इसके लिए उन कंपनियों को चुना गया था जहां पर कम से कम 250 कर्मचारी काम करते हो। अब अगर ब्रिटेन में पुरुष महिला सैलरी में ये अंतर है तो भारत में क्या हालात होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ काम करने वाली महिला कर्मचारियों का भी मानना है कि पुरुषों को नौकरी में तरजीह मिलने के साथ साथ सैलरी भी ज्यादा मिलती है, लेकिन असली नतीजे के लिए वो परफॉर्मेंस को जिम्मेदार बताती हैं। यानी जो जितना अच्छा काम करेगा उतनी तनख्वाह मिलेगी, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष। इसी तरह का सर्वे डेनमार्क में भी किया गया, लेकिन वहां पर इस खुलासे के सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। डेनमार्क में बने कानून पर रिसर्च में पाया गया कि खुलासा अनिवार्य करने से महिला पुरुषों की सैलरी का अंतर घटता गया। डेनमार्क में इस कदम से ज्यादा महिलाओं की हायरिंग होने लगी और सीनियर पोजीशंस पर प्रमोट की जाने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ी। वहीं कंपनियों का ओवरऑल वेज बिल घटा। इसकी मुख्य वजह ये रही कि पुरुष कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की रफ्तार कम हुई। अगर डेनमार्क जैसी डेवलप्ड कंट्रीज इस डिफरेंस को, पेमेंट डिफरेंस को समझ के महिला और पुरुषों को इक्वल स्टेटस दे रही है, तो फिर अगर हम इंडिया में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ में हम पीछे क्यों रह रहे हैं। अगर हम वुमेन्स को इक्वल दर्जा देंगे तो ना ही सिर्फ ऑफिस में बल्कि सोशल लाइफ में भी वुमेन आगे बढ़ेगी। अब बात आती है कि क्या भारत भी ब्रिटेन की राह पर चलेगा। भारत में कुल श्रमिकों में महिलाओं का हिस्सा 24% है, यानी भारत में इस अंतर को सामने लाने की ज्यादा जरूरत है। इससे सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में वेतन में असमानता के बारे में लोगों का ध्यान जाएगा। हो सकता है कि तब कंपनियां ज्यादा महिलाओं को हायर करें और उन्हें उचित वेतन दें। असली में अंतर क्यों है ये समझना जरूरी है। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। वर्किंग आवर का डिफरेंस नहीं है और एक्सपीरियंस का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी सैलरी मेरे से उनका बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं पर भी महिला और पुरुष में ये अंतर हो रहा है सैलरी इंक्रीमेंट का, तो ये बहुत गलत चीज़ है। लिस्टेड कंपनियों के लिए तो टॉप मैनेजमेंट और आम कर्मचारियों के औसत वेतन के अंतर का खुलासा करना अनिवार्य किया जा चुका है। महिलाओं और पुरुषों के वेतन के फर्क से पर्दा हटने से इंडिया इंक का एक और बंद दरवाजा खुलेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सवाल है, कई कंपनियां महिलाओं की हिस्सेदारी को उतना नहीं मानती और पुरुष जो होते हैं वो सैलरी में और इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में बाजी मार लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टैलेंट सामान्य है, महिला और पुरुष का टैलेंट अगर सामान्य है, तो दोनों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। महिला और पुरुषों के सैलरी में बहुत अंतर है। जैसे कई अच्छी कंपनियों में ऐसे भेदभाव नहीं होती हैं। जैसे कुछ नियम है मैटरनिटी लीव, जो कि इसमें कई बहुत जगह पे ऐसे होता है ना, इंक्रीमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उनको और आती भी है। आइसलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में वेतन में समानता को बढ़ावा देने के लिए कई कानून है। अब भारत को भी अगर दुनिया की महाशक्ति बनना है तो केवल आर्थिक मोर्चे पर तरक्की से ही यह हासिल नहीं किया जा सकता। विकसित मुल्कों की तरह समानता के अधिकार को भी बढ़ावा देने की जरूरत हर मोड़ पर है।